अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं YouTube चैनल ब्रेन एकेडमी। आई होप कि आप तमाम तर व्यूवर्स खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी भी यही दुआ है कि आप सब के साथ खुश और खैरियत से रहें। तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब से वाइस चांसलर बने हैं ज़िया उल हक़, इनकी जानिब से बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट आती रही हैं और चेंजिंग्स आती रही हैं सिस्टम के अंदर। अब इलामा ग्लोबल यूनिवर्सिटी तलबा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं और कहते हैं कि सर, इस ये जो अपडेट आई है इसको हम किस तरह से हम इसके ऊपर काम करें और हमसे नहीं हो रहा, तो इसका कोई सोल्यूशन है तो हमें बताएं। तो 150 स्टूडेंट्स, आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो इलामा ग्लोबल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें और लाइक के आपको कोई भी पैसे नहीं लगने, थोड़ी सी हौसला अफजाई मिलनी है और मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प कर रहा हूं और मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में खड़ी बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम नेक्स्ट कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तमाम व्यूवर्स तमाम स्टूडेंट्स तक इजीली पहुंच सकेगा। ज़िया उल हक़ की जानिब से जो एक अलग अपडेट आई है वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ऐसी आपके साथ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, स्पेशली उन दोस्तों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे साथ काफ़ी दिनों से अटैच है, यूट्यूब ब्रेन अकेडमी का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि डेयर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो आपने बहुत ही ज़्यादा अपडेट सुनी। एक तो आपने अपडेट सुनी कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एफए, आईकॉम, बीए, बीकॉम और कुछ दीगर क्लासें हैं जो पहले बाय हैंड या बाय पोस्ट असाइनमेंट जमा करवा रही थी, तो अब इन बच्चों को मैं बता दूं कि अब भी बेटा आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को बाय हैंड या बाय पोस्ट ही जमा करवानी है। आपको जिस किसी ने भी कहा है, हाँ जी हाँ बिल्कुल, वाइस चांसलर की जानिब से अपडेट आई हैं अलग अलग से, लेकिन इसके ऊपर एक कोई फाइनल कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था। मेरी उन तमाम चैनल्स वालों से रिक्वेस्ट है, उन क्रिएटर से रिक्वेस्ट है, अगर व्यूज़ ही लेने हैं कोई रोज चैनल बना लें, कोई और काम कर लें, स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स को परेशान ना करें। स्टूडेंट्स को ऐसी अपडेट दे देकर व्यूज लेते रहे और स्टूडेंट्स को परेशान करते रहे, तो लिहाजा डेयर स्टूडेंट्स, ये वाली जो अपडेट थी ये आई थी लेकिन ये कोई फाइनल नहीं हुई। ऑटम 2020 के असाइनमेंट्स आप मैन्युअली वो वैसे ही जमा करवा सकते हैं। बाकी प्रोफेसर जो है, वाइस चांसलर जो है ज़िया उल हक़ की जानिब से ये अपडेट एक कन्फर्म और हतमी आई है कि तलबा की जो असाइनमेंट जो हैं और बाकी जो दीगर अपडेट जो हैं यूनिवर्सिटी को, मतलब कि ऑनलाइन, मतलब कि ज़्यादा सिस्टम के अंदर जो चेंजिंग्स हैं वो उनको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। मतलब कि कुछ ऐसी सेटअप हैं जिनको ऑनलाइन करना ही ज़रूरी है और वो अगर ऑनलाइन हो जाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो डेयर स्टूडेंट्स, अगर यूनिवर्सिटी कोई भी एक अपडेट अपने सिस्टम के अंदर लेकर आती है तो यूनिवर्सिटी अरगज नहीं चाहेगी कि उनका सिस्टम जो चल रहा है वो उसमें कोई नुकसान हो। तो यूनिवर्सिटी आपके भी वेलफेयर के लिए और अपने भी वेलफेयर के लिए कोई भी स्टेप लेकर आती तो फायदा होता है दोनों को, दोनों तरफ ही। तो यूनिवर्सिटी की जानिब से जितनी भी अपडेट पहले आई थी वो जस्ट एक बात हुई थी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक अच्छी अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। और अगर कोई भी एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है तो मैं आपको एक वीडियो के जरिए मैसेज दे दूंगा। बाकी मेरी दुआ है कि ऐसा ना हो कि ये बच्चे भी ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करवाएं। बाकी उनकी मेरी इन तमाम स्टूडेंट्स की जानिब से मेरी रिक्वेस्ट है उन चैनल्स वालों को जो इस तरह की अपडेट दे रहे हैं, तो खुदा के लिए यार ऐसा काम ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी पूरी बात समझ चुके हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कहना चाह रहा था और आप जो परेशान हो रहे थे आपकी परेशानी भी इस वीडियो के अंदर दूर हो चुकी होगी। तो वीडियोस को काइंडली लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।